Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Afnan Bakht, your physics teacher. In today's lecture, we will understand a very important topic that is Maxwell equations. Now, Maxwell equations, we have two very important facts to move. Let's see what history and background ki hain. Maxwell was actually a Scottish physicist and mathematician as well and from 1861 to 1865 he published a series of papers ke jisme usne kya us electricity or magnetism ke related laws the individual laws he pretty much summed up all of them and he converted all of them into four very beautiful equations jise hum मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं अब उन चार इक्वेशंस में से हम क्या करेंगे उन चार इक्वेशंस में से हम एक्चुअली दो को बड़ी डिटेल के, right? e, right? के चीजें हमें बताएगा नंबर वन वो क्या है कि जब हम बी को चेंज करते हैं किसी भी लूप के थ्रू सो so, आप देखोगे कि हमें क्या मिलना है इलेक्ट्रिक फील्ड और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है तो याद रखिएगा वो चार्जेस को फ्लो करवाने की कोशिश करेगा एंड चार्जेस को फ्लो करवाने का क्या मतलब इंड्यूसडमॉ सो so, याद रखिएगा दिस रिजल्ट एक्चुअली गिवज अस अ फेराडेलॉ लेकिन चूंकि हम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में इसको स्टडी करेंगे तो हम उसे कहेंगे फैराडे लॉ राइट सो लेट मी राइट इट ओवर वे और फैराडे मैगज लॉ यू कैन कॉल इट let me write it with the blue Faraday Maxwell's law जो कि actually Faraday law ही है लेकिन उसकी थोड़ी सी ज्यादा mathematical description है then we will study the reverse of it right that is कि अब हो क्या है कि he also proved that changing E produces B अब ये उसका reverse है कि अगर आप क्या करो कि अगर आप किसी ऐसे स्पेस में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग फील्ड है राइट और वहां पर अगर आप एक कंपस रख दो सो आप देखोगे कि की सुई आपको डिफ्लेक्शन देगी कंपस की सुई के डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड सो याद रखिएगा अगर एक स्पेस है जहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा राइट बट सिर्फ उस स्पेस में क्या है या उस रीजन में क्या हो रहा है कि एक ऐसा फील्ड है जो कि चेंजिंग फील्ड है कौन सा फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड राइट दिस मस्ट बी अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और आप देखोगे कि उस रीजन में अगर आप कंपस प्लेस करोगे सो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलना है यानी कि नीडल जो कंपस की है वो आपको डिफ्लेक्शन शो करेगी राइट बिकॉज इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम एक करंट कैरिंग वायर लेर इज अ करंट कैरिंग वायर राइट सो देर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट

उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड ने जन्म लेना है इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर कंपस ले आऊं इज कंपस और ये उसकी नीडल है राइट right? सो so, इस कंपस की नीडल में हमें डिफ्लेक्शन जो है वो मिलेगी यानी कि यहां पर ये शो कर रहा है कि देर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट ये स्टूडेंट्स लेकिन दिस इज नॉट द ओनली वे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बल्कि ज्यादा जनरलाइज वे क्या है कि देयर मस्ट बी चेंजिंग ई दैट विल प्रोड्यूस बी सो so, अब अगर एक ऐसा रीजन है जहां पर कोई भी कंडक्टर नहीं है राइट right? और वहां पर आपको फिर भी कंपस के प्लेस करने के बाद आपको उस कंपस के अंदर डिफ्लेक्शन मिल रही है इसका मतलब यह है कि वहां पर एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है स कर रहा है सो so, यही दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम बड़ी डिटेल के साथ समझने वाले हैं और इसको जब हम समझेंगे जो मैथमेटिकल इक्वेशन हम निकालेंगे उसे हम कहेंगे एम्पेयर मैक्सवेल्स लॉ और आई शुड से एम्पेयर मैक्सवेल इक्वेशन, बल्कि इक्वेशन का लिखना ज्यादा मुनासिब होगा राइट ठीक है स्टूडेंट्स सो दिस वन एंड दिस वन दिस इज दिस टू equations that we are going to study on our next board. So move करते हैं next board पर जहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे changing B produces E. So let us move on to the next board. Now dear students let us understand कि कैसे B को change करने से हम electric field produce कर सकते हैं जो कि क्या करेगा charges को flow करवाएगा. लेकिन before getting into the mathematics of it थोड़ा सा हम प्रीवियस जो हमारे कॉन्सेप्ट कर लेते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं इस वायर के अंदर आपके पास फ्री चार्जेस हैं और वो फ्री चार्जेस जो है वो क्या कर रहे हैं वो रैंडमली मूव कर रहे हैं राइट right? कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कोई ऐसे मूव कर रहा है राइट सो देयर इज अ रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स राइट लेकिन इन पार्टिकल्स का कोई नेट फ्लो नहीं है सो so, जब नेट फ्लो नहीं है सो देर इज नो नेट करंट सो आपके पास यहां पर करंट की वैल्यू क्या है जीरो है ठीक है लेकिन जैसे ही मैं यहां पर

राइट डे स्टूडेंट्स और आपको पता है जब आप चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो उसने मोशन करनी है राइट right? अब अगर वो चार्ज पार्टिकल जिसको आप यहां पर कंसिडर कर रहे हो वो अगर पॉजिटिव है सो so पॉजिटिव चार्ज ने मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट राइट डे स्टूडेंट्स और अगर

क्रिएशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट अब यहां पर हमें पता है कि जब आपके पास करंट होता है सो दैट करंट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समफ राइट अगर हम ओम्स लॉ को रिकॉल करें सो so चार्जेस की फ्लो एक्चुअली डायरेक्टली रिलेट करती ई एम एफ पर ई एम एफ ना हो तो आपके पास करंट की फ्लो पॉसिबल नहीं है इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर करंट की फ्लो पॉसिबल है तो आपने क्या किया है आपने पोटेंशियम डिफरेंस अप्लाई किया है राइट देट इजटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस को फिर कौन जो है sustain है? बैटरी में पोटेंशियल इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स इफ यू कैन रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर ट्वेल्व दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी सो डे स्टूडेंट्स इसका मतलब यह है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्टैब्लिश हुआ

और दूसरा हम ई एम एफ क्रिएट कर सकते हैं बाय वॉट बाय चेंजिंग अ मैग्नेटिक राइट डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम द फ्लैक्सूड फ्रामी लॉफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सो यहां पर अब ई एम एफ जो है वो क्या करेगा चार्जेस को फ्लो करवाएगा अब इसी तरह का एक हम क्या करेंगे यहां पर कंसिडर करेंगे बल्कि यहां पर ही हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हम कर सकते हैं बाय चेंजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड लेकिन कैसे देखते जाए नाउ आई हैव

फील्ड लाइन्स ने निकलना है और साउथ पोल पर एग्जिट करना है सो द फील्ड लाइन्स आर गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस राइट और यहां पर चूंकि ये साउथ पोल है तो यहां पर एग्जिट करेंगे राइट सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अब अगर मैं ऐसे करूं कि मैं मैग्नेट को मूव करवाऊं इन टू द लूप राइट मैग्नेट को मैं क्या करूं इस लूप की तरफ मूव करवाऊं, लाइक दिस मोशन ऑफ द मैग्नेट राइट सो होगा क्या कि वक्त के गुजरने के साथ साथ यहां पर फील्ड लाइंस की तादाद बढ़ती चली जाएगी राइट right? और यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्चुअली गिव राइज टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल गिव राइज टू इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रॉम द फैराडे द ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन राइट और ईएमएफ क्या करेगा ईएमएफ चार्जेस को फ्लो करवाएगा यानी कि देयर विल बी एन इंड्यूस्ड करंट राइट right? सो so, इसी को अब हम थोड़ी देर बाद जो है वो यूज करने वाले हैं नाउ वी नो कि यहां पर आपके पास करंट ने एस्टेब्लिश होना है एंड देन फ्रॉम फेरेडे लॉ हमें पता है कि उस करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होनी है कि उस करंट की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा इस मैग्नेट की तरफ से आने वाला जो चेंज है मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को करेगा। अब राइट नाउ द चेंज ऑफ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज पॉजिटिव नेचर, बिकॉज़ हम इसको करीब ला रहे हैं। so जब करीब ला ला रहे रहे हैं। हैं हैं। हैं, सो जब जब तो फील्ड फील्ड बढ़ रही हैं। और जब field बढ़ती की अपना एक field हमेशा ऐसी डायरेक्शन में होगा कि ये अपोज करे अपने ही किस चीज को कॉज को अब यहां पर कॉस क्या है फ्लक्स के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ज्यादती राइट और ज्यादती को अपोज करने का क्या मतलब है कि आप उसे कम करवाओ अब कब तो तब ही होगा ना जब यहां पर लाइट पोल्स एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो चूंकि दिस नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग इन टूवर्ड्स द लूप So, यहां पर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगा या लूप के अंदर करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उस मैग्नेटिक का भी नॉर्थ पोल जो है वो इस नॉर्थ के सामने आना चाहिए सो so, इसका मतलब ये है कि द करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज द करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस राइट बिकॉज जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा सो so आप देखोगे कि इस लूप का जो इन साइड रीजन है उससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो एक्चुअली इस इस तरफ होंगी यानी कि कि ब्लू लाइंस लाइंस को को जो कि इसकी रिप्रेजेंट कर रहा है उसको अपोज करेंगी सो लेट मी दैट लाइंस ये आपके पास सिचुएशन और इसका एक शॉर्टकट भी है जो कि आप समझ सकते हो और वो कैसे है, वो ऐसे है कि अगर हमारे पास एक

इस तरह ड्रॉ कर लो और फिर इस तरह कर लो सो so, अगर आप देख लो तो इधर से आप एस बना सकते हो सो दिस इज अ साउथ पोल राइट और अगर आपके पास जो है, वो जो है, वो ऐसे जा रहा है, जो के है तो, पर की में दूसरा, तो से आप क्या कर सकते हो नॉर्थ बना सकते so, हो सो याद रखिएगा अगर लूप में करंट एंटी क्लॉक हो फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है so, इस में और उस साइड पर साउथ होगा राइट right? सो so, यही लूप जो है इसको आप एंटी आपको नजर आ रहा है लेकिन मैं जब इधर से देखता हूं तो मुझे वो क्लॉकवाइज नजर आता है तो मेरी तरफ जो है वो क्या है साउथ है और आपकी तरफ क्या है नॉर्थ है ठीक है दिस सो अ शॉर्ट ट्रिक जो कि मुझे आपको समझाना था सो so, अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ अब यहां पर

नो दैट ईमएफ इज एक्चुअली इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज राइटेंट अब यहां पर हमारे पास जो ई एम एफ है वो बराबर है वर्डन वर्डन इज एक्चुअली इक्वल टू एफ डॉट एस राइट डिवाइडेड बाय चार्ज अब अगर यहां पर मैं इस सर्कल को इमेजिन करूं सो सर्कल के अंदर अगर मैं कहूं लेटे से कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है देर इज एन इलेक्ट्रॉन राइट और उसके ऊपर धक्का लगा है राइट right? और वो मूव कर रहा है लाइक दिस राइट सो अगर मैं कहूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की मोशन ऐसे है डेल्टा एल सो

राइट right? सो so, कितना फासला इसने कवर किया दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सर्कल यानी कि फैर राइट सो ये यहां से हमने क्लियर कर लिया अब यहां पर हमने क्या करना है एक चीज जो है 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 समझनी वो क्या है? कि दैट इज इज एफ एक्चुअली एन इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हमें पता है इट इज एक्चुअली एफ डिवाइडेड बाय क्यू क्यू को इधर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा राइट right? सो so, मैं यहां पर एफ को रिप्रेजेंट कर लेता हूं क्यू इन टू से

इंड्यूस्ड ई एम एफ जो है वो एक्चुअली इक्वेशन वन के मुताबिक इसके बराबर है और यही इंड्यूस्ड एफ इक्वेशन टू के मुताबिक इसके बराबर है so, कंपेयर कर सकता हूं आई कैन से फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट दैट ये वाला इसके बराबर हो जाएगा सो इट विल बी ई एन टू टू पाई आर इज इक्वल टू डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाय डेल्टा राइट डेल्टाइट स्टूडेंट्स अब यहां पर जब मैं टू आर लेता हूं इसका मतलब यह है कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट इलेक्ट्रिक फील्ड को लेट मी ड्रॉ इट ओवर हेयर अगेन मैंने क्या कर दिया है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इन पूरे लेंस के थ्रू क्या कर दिया है सम अप कर दिया है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड राइट right? इन तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मैंने अप कर दिया है राइट right? अगर मैं टू पाई रहा हूं अगर मैं, मतलब मैं, मैं सिंगल right? so, मतलब कि कितना है समेशन जो कि क्या करेगा ई डॉट टू पाई को करेगा अब ई e आपके पास क्या है एक कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है सो so, हम सम भी कर सकते हैं और इसको अब हम लिख सकते हैं किस तरह That is the integral of a closed loop integral of E into delta L, right, is equal to the change in flux with the passage of time. Now, this is called Maxwell फेराडे लॉ और फेरा नहीं घबराना सिर्फ फर्क जब हम समेशन का साइन यूज करते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज को एड करते हैं बड़े बड़े वैल्यूज को और जब हम इंटीग्रल का साइन यूज करते हैं तो हम एक्चुअली इतने स्मॉल स्मॉल वैल्यूज को ऐड करते हैं कि वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूस है Is clear? So this the the summation of the values. That are वेरी क्लोज टूर each other, almost continuous. जबकि आपके पास क्या है Discrete values को add करता है ठीक है so, आप इसी तरह से यहाँ पर इसको इंटीग्रल का साइन हटाकर समेशन लिख सकते हो बट द मोर सुटेबल इज इंटीग्रल सही है जी लेकिन हम चूंकि यहां पर

राइट right? और ए चूंकि कॉन्स्टेंट है इस लूप का तो ए को बाहर निकालना है सो इट विल बी ए डेल्टा बी राइट अब यहां पर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूं आई विल गेट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय टू पाई आर राइट टू पाई आर को मैंने डिवाइड किया एंड आई गेट डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी नाउ जस्ट लुक एट इट ए इज कॉन्स्टेंट ऑफ लूप टू पायर इज सर्कमें सेम लूपर्कल की शक्ल में जो क्रिएशन है वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो चेंजिंग फील्ड कौन सा फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड सो चेंजिंग बी प्रोड्यूस ई और वो ई e पर क्या करे वो ई e पर इस लूप के अंदर चार्जेस को क्या करवाता है

One result was that changing B produces E. Now we move towards another one which is completely opposite. That is changing E produces B. So let us move on to the next board. Now dear students, we will understand that how by changing E we can create B. Yani ke changing electric field will also give rise to changing magnetic field. We will reverse which we have just studied. So dear students, we know from Ampere's law, se, right? कि जब हम सम अप करते हैं बी को ओवर अ क्लोज लूप अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टर सो वो बराबर है किस चीज के के कि उस अराउंड आपने स्टफ कौन सा रखा है यानी कि परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम फिलहाल मैंने आपके पास फ्री स्पेस मैंने रखा हुआ है बिकॉज नॉट मैंने लगा हुआ है सो इट इज एक्चुअली इक्वल टू द न्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वट दिस मीन लेट एस एक्सप्लेन दिस फर्स्ट इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है और लेटेस्ट से कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो वो जो फ्लो कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सो मैं उसको ब्लू से रिप्रेजेंट कर लेता हूं द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस राइट सो वी नो दैट एवरी करंट कैरिंग वॉड अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है प्लीज थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट curl your fingers around it and the thumb and the curling fingers will give you the direction of the magnetic field so place the thumb of your right hand in the direction of the current and curl your fingers around it so the magnetic field is going to be something like this right take what your students like this right other say ara or either do you have right?

एल और इन तमाम डेल्टा एल्स को आप ऐड करो और उसका डॉट लो यहां पर डी के साथ जो बी प्रोड्यूस हुआ हुआ है राइट तो आपको ये चीज मिलने वाली है म्यू नॉट तो आपको पता है कि यहां पर आपने सराउंडिंग में मटेरियल कौन सा रखा है ना व्हाट इज दिस दिस इज एक्चुअली दिस करंट कौन सा करंट जो मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है राइट और ये वो करंट होना चाहिए जो यहां पर आपने क्लोज लूप लिया हुआ है, जिसे आप इंपेरियल लूप कह दिया करते थे इन इंपेयर लॉ जो कि क्लोज लूप होना चाहिए ये उस लूप के थ्रू जाने वाला इलेक्ट्रिक करंट है सो दिस इज अ करंट दैट शुड बी इनक्लोज बाय दिस क्लोज लूप राइट right? अगर मैं एक कंडक्टर लूं और ये करंट है उसके थ्रू सो so यहां पर मैंने एक लूप लिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल और उस लूप के साथ एक एसोसिएटेड सरफ़ेस है राइट इफ आई कैन ड्रॉ सरफ़ेस ओवर हेयर सो यहां पर एक एसोसिएटेड सरफ़ेस है लाइक दिस राइट इस सरफ़ेस के थ्रू जो करंट चीर कर निकल रहा है पीरस कर निकल रहा है राइट दैट इज एक्चुअली द करंट इन ठीक है स्टूडेंट्स सो यहां पर आपने वो करंट की वाली लगानी है जो कि उस क्लोज सर्फिस के साथ एसोसिएटेड जो सर्फिस है और आई शुड से जो उस क्लोज लूप के साथ जो सर्फिस है फिलहाल मैंने वो सर्फिस फ्लैट सर्फिस लिया हुआ है उसके थ्रू चीरने वाला जो करंट है दैट इज करंट इनक्लोज नाउ क्यों मैं इसके ऊपर इतना इन, जो है कर रहा हूं वो अभी हम थोड़ी देर बाद समझने वाले हैं सो मैक्सवेल कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट एंड दैट वॉज Right? रिलेटिंग right? वि जरूरी नहीं के फैट हो जो कि हमें पता है कि हम इंपीरियल लूप किसी भी शेप का ले सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज क्लोज हम उस पर एम्पेयर लॉ एप्लाई कर सकते हैं सो so अगर मैं इसके साथ एसोसिएटेड जो सर्फेस है वो लेटर से कुछ ऐसे ले लू राइट लेटर से आई ड्रॉ दैट सर्फिस नॉट टू बी फ्लैट बल्कि रादर लाइक दिसंट right? so जो है वो यहां पर थ्रू क्या कर रहा था चीर कर निकल रहा था पीअर्स करके निकल रहा था अभी भी वो उसी सरफेस के थ्रू पीरस करके निकल रहा है और उतना ही करंट इनक्लोज है बस सिर्फ फर्क क्या हो गया कि पहले वो सरफेस जो है वो बिल्कुल फ्लैट हुआ करता था लाइक दिस सर्कल के साथ राइट अब वो थोड़ा तो सा ऐसे हो गया राइट right? लेकिन करंट तो अभी भी क्या कर रहा है पहले भी जो है इस तरह निकल रहा था राइट right? और अभी भी निकल रहा है राइट राइटेंट सो उतने अमाउंट का करंट है सो so, याद रखिएगा हमने एक लूप लूप लेना है है उस कंडक्टर के अराउंड ठीक जिसे हम कहते हैं और उस लूप के साथ एसोसिएटेड जो सर्फिस है वो फ्लैट भी हो सकता है वो इस तरह भी हो सकता है डजेंट मैटर राइट एज लॉन्ग एज द लूप इज क्लोज एंड द सर्फिस इज क्लोज एसोसिएटेड विद इट सो आपके पास जो है आप इंपेरियस अप्लाई कर सकते हो सो वट मैक्सवेल केम अप इज़ कि उसने ये कहा कि अगर यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है लेटस से क्या किया जा रहा है लेटस से यहां पर मैं कह देता हूं पॉजिटिव right? टर्मिनल है तो इसने पॉजिटिव होना है या चलिए मैं इसको इस तरह कर देता हूं इसको नेगेटिव कर देता हूं और इसको पॉजिटिव कर देता हूं ताकि आसानी हो जाए जिस तरह से हमने कैपेसिटर को पढ़ा था ताकि उसी के साथ हम क्या करें लिंक कर सके सो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा इस प्लेट से पॉजिटिव चार्जेस सॉरी नेगेटिव चार्जेस को निकालेगा और उन नेगेटिव चार्जेस ने इधर से आना है और इधर इकोमुलेट होते रहना है होते रहना है सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग यहां से चार्जेस ने निकलना है लाइक दिस लाइक दिस राइट दिस विल बी द फ्लो ऑफ करंट राइट right? और यहां पर नेगेटिव चार्जेस नहीं आना है so, ये positive से positive होता जाएगा। और ये प्लेट नेगेटिव से नेगेटिव होता चला जाएगा राइट डियर स्टूडेंट्स अब यहां पर अगर मैं ये करंट कैरिंग वायर लूं जो कि एग्जैक्टली exactly उसी तरह से है और इसके अराउंड किसी पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना चाहूं लेट अस से दिस इज द पॉइंट सो जाहिर सी बात है इस पॉइंट को मैंने क्या करना होगा इस पॉइंट को मैंने क्लोज लूप के अंदर इनक्लोज करवाना होगा लाइक like दिस और लेट अस से वो यहां पर मैं सर्कल ले लेता हूं जिस तरह मैंने यहां पर लिया हुआ है सो दिस इज द क्लोज एम्पीरियन लूप राइट एंड दिस इज द करंट टूर सिंग थ्रू इट यानी कि करंट इन क्लोज अब अगर यहां पर हम क्या कर ले इस लूप के साथ जो एसोसिएटेड प्लेन सर्फेस है उसको हम थोड़ा सा कर्व करके ले लें तो तब भी एम्पेयर लॉ अप्लाई होना चाहिए बिकॉज एम्पेयर लॉ तो आपको बताता है कि एज लॉन्ग एज द लूप इज क्लोज यू कैन अप्लाई एम्पेयर लॉ लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा था तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आनी चाहिए राइट right? और इस लॉ से हम जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं दैट इज राइट यहां पर आप डेल्टा एल की जगह टू पाई कर लो एज अ होल राइट तो टू पाई आर नीचे आ जाएगा सो मैग्नेटिक फील्ड की यहां से जो वैल्यू आई और वो जो प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करता था वो आपस में मैच नहीं कर रही थी जब सर्किट में क्या लगा हुआ था कैपेसिटर सो फ्रॉम हेयर ही सेट इज एमपेलीट इट इज ओनली एप्लीकेबल टू अ स्टडी करंट नॉट वैरियंग करंट बिकॉज यहां पर जो करंट है वो एक वैरियंग करंट है बिकॉज कैपेसिटिव सर्किट में करंट हमेशा चेंजिंग करंट होता है कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है या चार्ज होता है दोनों ही सिचुएशन में यहां पर एक चेंजिंग करंट होता है सो so क्या यहां पर एमपेज लॉ एप्लीकेबल नहीं

राइट एंड ही सेट यहां पर दो तरीकों के करंट्स हैं दो तरह करंट्स हैं सो ही री रोट दिस इक्वेशन लाइक दिस दैट इट विल बी डेल्टा एल एंड इंटीग्रल या सम ओवर ऑल द लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द आई टोटल राइट एंड आई टोटल इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ टू करंट्स एक तो ये इनक्लोज करंट एक तो आपके पास यहां पर जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना राइट दिस ये जो आपके पास है राइट लेकिन यहां पर तो कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा यहां पर तो आपके पास कोई करंट इस सरफेस के थ्रू पीर सी नहीं कर रहा राइट right? तो यहां पर कौन सा करंट है यहां पर एक करंट जन्म लेता है जिसे हम कहते हैं कंडक्शन करंट की बजाय क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट सो आई टोटल विल बी इक्वल टू आई कंडक्शन जो कि ये वाला करंट है जो कि एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्जेस की, की वजह से है एंड देर इज एनदर वेरी स्ट्रेंज टाइप ऑफ करंट जिसके हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट जो कि अभी हम समझने वाले हैं नाउ क्या यहां पर कोई करंट है क्या यहां पर कोई फ्लो करते हैं दो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के दरमियान नहीं लेकिन यहां पर एक चीज हो रही है और वो क्या वो ये कि कैपेसिटर जब चार्ज होता है सो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपोजिटली चार्जेस जो है वो क्या करते हैं इन प्लेट्स के ऊपर अकोमुलेट होते हैं और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत में इजाफा होता चला जाता है आर यू गेटिंग इट और नॉट और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस क्लोज सर्फिस के थ्रू जा रहा है सो इज इज सम फ्लक्स 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 एंड दैट एक्चुअली चेंजिंग कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट बिकॉज यहां पर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवेलप हो रहा है और जितने ही यहां पर ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव होता चला जाता है ये वाला नेगेटिव होता चला जा रहा है सो so आपके पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा से ज्यादा होता चला जा रहा है आई बैग योर एम गोइंग टू करेक्ट दिस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव सो यहां पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव राइज टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर मैं स्मॉल ई लिख देता हूं ताकि आपको पता चले कि दिस इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉट अ मैग्नेटिक फ्लक्स और ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली बिहेव करता है एज अ करंट राइट

जिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम विल बी इक्वल टू चेंज हम अप्लाई करेंगे ई और ए के ऊपर और कॉस्टिटा में नहीं लिख रहा बिकॉज फिलहाल मैं एंगल जीरो कंसिडर कर रहा हूं एरिया के दरमियान अगर आप देख लो सो so ये जो एरिया है यह बिल्कुल फ्लैट मैंने कंसिडर किया हुआ ठीक है स्टूडेंट्स अब अगर यहां पर आप देख लो तो एरिया तो चेंज हो नहीं रहा सो एरिया को बाहर निकाल निकालने बिकॉज ये जो एरिया है यहां पर इस सर्फेस का वो तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर चेंज हो रहा है बिकॉज एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव होता जा रहा है और दूसरा प्लेट उतना ही नेगेटिव होता जा रहा है सो राइज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है राइट सो हम ए को बाहर निकाल लेंगे राइट सो जब ए को बाहर निकालेंगे सो आपके पास ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि ए इन टू डेल्टा ए राइट डर स्टूडेंट सो आई एम एक्चुअली फाइंडिंग चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम नाउ वी नो दैट The change in the electric field over here is actually equal to what? That is, E is over here is actually equal to the surface charge density divided by epsilon naught, right? From one of the applications of Gauss's law, we know. from Gauss's law.

Change into charge divided by a a t और इसी को मैं अगर थोड़ा सा कर सो मेरे पास ये कुछ ऐसे बन जाता है a अपनी जगह पर right? अच्छा delta हम अब apply करने लगे हैं किस चीज के ऊपर ओनली चार्ज के ऊपर passage ऑफ टाइम और a और एप्सिलॉन को हम क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे so a into epsilon Now. Why? वो इसलिए बिकॉज प्लेट्स के ऊपर चार्जेस की मिकदार में आती जा रही है, लेकिन, जो आपने बरा है वो वही है knot, तो के मैं वो भी चेंज नहीं हो रहा सो जब एरिया चेंज नहीं हो रहा तो उस एरिया को भी मैं क्या कर दूंगा बाहर निकाल लाऊंगा अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिख दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस पर एक ऑलरेडी बाहर है फिर डेल्टा

आपके आप पास क्या हो जाएगा इट विल बी द सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट और टोटल करंट बराबर है डिस्प्लेसमेंट करंट प्लस कंडक्शन करंट तो एक आम कंडक्शन करंट है यहां पर दिस इज आई कंडक्शन राइट और यहां पर जो दरमियान में जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है विद द पैसेज ऑफ टाइम मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन दिस टर्म इज एक्चुअली इक्वल टू आई displacement right so यहां पर mu not times of the i conduction plus mu not times of the i displacement because mu जो है right वो as a whole इसके साथ मल्टीप्लाइड है और ये एक्चुअली इसके बराबर है सो म्यू नॉट इसके साथ भी आएगा और म्यू नॉट इसके साथ भी आएगा सो so, इसको मैं थोड़ा सा अगेन रीराइट कर लेता हूं दिस इज एक्चुअली mu नॉट टाइम्स ऑफ द कंडक्शन करंट प्लस म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द और डिस्प्लेसमेंट करंट किसके बराबर है नॉट टाइम्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सो इट विल बी नॉट टाइम्स ऑफ ऑफ द रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वट एम्पेयर लॉ सो अगर आपके पास ये ना होता यहां पर सो so यहां पर एक स्टडी करंट ने फ्लो करना था राइट right? यहां पर करंट को वैरी करने वाला कौन है कैपेसिटर तो अगर कैपेसिटर यहां पर आप इस सीन से निकाल दो सो so एक स्टेडी करंट होगा सो 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 जब स्टेडी करंट 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 होगा विल 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 बी 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 नो डिस्प्लेसमेंट ओनली अ कंडक्शन कंडक्शन इक्वल टू टोटल करंट सो आपके पास ये एप्लीकेबल है लेकिन कब जब चेंजिंग करंट ना हो लेकिन जब कैपेसिटर आप इंट्रोड्यूस करवा देते हो तो एक चेंजिंग करंट आ जाता है और जब चेंजिंग करंट आ जाता है सो so अब आपके पास यहां पर दो तरह के करंट्स हैं एक तो कंडक्शन करंट है दैट इज द फ्लो ऑफ द रियल चार्ज

क्या रख दू कंपस रख दू यहां पर इफ दिस इज लेटर से दिस इज अ सो आप देखोगे कि जैसे ही यहां पर चार्जेस एक्म्ब्लिट होंगे राइट सो देर विल बी अ चेंज इन वट देर विल बी अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड दैट चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद द पैसेज ऑफ टाइम विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एंड आपको ये ये जो है ये क्या करेगी ये डिफ्लेक्शन शो करवाएगी ठीक है डियर स्टूडेंट्स सो इसका मतलब यह है कि एक ऐसा स्पेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट होगा तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इस करंट की वजह से नहीं होगा बल्कि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसकी वजह से भी होगा और जब मैक्सवेल ने ये चीज जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो यहां पर लगाई सो so, जो रिजल्ट आ रहे थे और जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स आ रहे थे वो कंप्लीटली मैच कर गए विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। सो डेयर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने दो चीजें समझी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजिंग बी प्रोड्यूसेस ई

िकॉज अगर एक ऐसा स्पेस आई एम रिपीटिंग जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लैक्स चेंज हो रहा है वहां पर मैग्नेटिव फील्ड में बना है और इसी के रिजल्ट से उसने स्पीड ऑफ लाइट को कैल्कुलेट किया दैट वॉज एक्चुअली टू वन डिवाइडेड बाई अंडर द रूट न्यू नॉट इन टू एप्सिला सेकेंड बिकॉज ही सैड स्पेस चेंज इन ई प्रोड्यूसिस बी एंड चेंज इन मी प्रोड्यूस ई सो लाइट इज नथिंग बट ऑसोलेटिंग इलेक्ट्रिक

निचोड़ पेश करते हैं या उनको समअप कर लेते हैं सो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मैक्सवेल को इक्वेशन को समझा मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज